वाह हार्दिक, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से हार्दिक ने बयान दिया है, जो बात हार्दिक ने हाल ही में कही है, उसके बाद हार्दिक पांड्या की जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है। और ये कहा जा सकता है कि वास्तव में अपने देश के सच्चे खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या ने बयान दिया है। दरअसल हार्दिक पांड्या, आप लोगों को पता है कि काफ़ी लंबे वक्त बाद, लगभग एक महीने बाद मैदान पर उन्होंने वापसी की। और उसके बाद में हार्दिक पांड्या ने पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की कमान संभाली। जब रोहित शर्मा मैदान पर नहीं थे तो हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को मैच जिताया और शानदार तरीके से टीम इंडिया को आगाज करवाया। लेकिन इस मैच से पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पांड्या से एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछा गया। हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि भाई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विदेश में होनी है, इंग्लैंड में होनी है, और जिस मैदान पर होनी है उस मैदान पर आप जैसे खिलाड़ी की बहुत सख्त जरूरत है, उस मैदान पर तेज गति के ऑलराउंडर्स की बहुत सख्त जरूरत है, तो क्या आप विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में खेलेंगे? तो हार्दिक पांड्या ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी हार्दिक पांड्या की तारीफ करेंगे और कहेंगे कि खिलाड़ी हो तो हार्दिक पांड्या जैसा। हार्दिक पांड्या ने जवाब देते हुए कहा कि मैं इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलने लायक नहीं हूं, मैंने तो 10% भी काम नहीं किया है, मैं किसी दूसरे खिलाड़ी की जगह को नहीं हथिया सकता, बाकी खिलाड़ी मुझसे बहुत बेहतर हैं, मैंने तो 10% भी काम नहीं किया है, जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं मैं उनके उनकी जगह को नहीं हथिया सकता, उनकी जगह को नहीं ले सकता। हार्दिक पांड्या ने साफ कहा है कि जब मुझे टेस्ट खेलना होगा तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, उसके लिए प्रदर्शन करके दिखाऊंगा, अभी मैंने टेस्ट के हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया है, इसीलिए मेरी जगह टेस्ट टीम में नहीं बनती है, मेरे अलावा किसी दूसरे ऑलराउंडर की टेस्ट टीम में जगह बनेगी। तो जाहिर तौर पर हार्दिक पांड्या ने जो जवाब दिया उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि ये खिलाड़ी अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलता है, ये खिलाड़ी टीम के लिए खेलता है, इस खिलाड़ी को अपने से मतलब नहीं है, इस खिलाड़ी को मतलब है टीम की जीत से, देश की जीत से, देश की इज्जत से। और इसीलिए हार्दिक पांड्या के इस बयान की इस वक्त तारीफ हो रही है। वैसे हार्दिक पांड्या की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका मिल सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा ने एक तेज गति के ऑलराउंडर की बातें की थी जब टीम मीटिंग हुई थी, उस वक्त ये बातें उठी थी कि इस मैदान पर एक तेज गति का ऑलराउंडर चाहिए, तो शार्दुल ठाकुर को हो सकता है कि उस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मौका मिले तेज गति के ऑलराउंडर के तौर पर। तो ये हार्दिक पांड्या का जो बयान है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से, वो इस वक्त चर्चा का विषय, और लोग लगातार हार्दिक पांड्या के इस बयान की तारीफ कर रहे हैं। आपका हार्दिक पांड्या के इस बयान पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में हार्दिक पांड्या ने दिल को छूने वाली बात कही? और जब एक तरफ लोग अपनी टीम में जगह बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरे की जगह छीनने की कोशिश करते हैं, उस वक्त हार्दिक पांड्या ने ऐसा बयान दे दिया जो दिल को छू गया। क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या चाहें तो किसी की भी जगह हथिया सकते हैं। अगर हार्दिक पांड्या का स्टेटस इस वक्त इतना बड़ा है, अगर वो टीम में आना चाहें तो किसी की भी जगह आ सकते हैं। लेकिन हार्दिक ने साफ कह दिया कि मैं टेस्ट टीम के लायक नहीं हूं, मैंने उस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया। तो जाहिर तौर पर हार्दिक के इस बयान की तारीफ हो रही है। आपका हार्दिक के इस बयान पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।